प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ऑनर और स्टाफ का प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है, और अभी जैसे देख सकते हैं कि काफी समय से गतिरोध बना हुआ है, पुलिस इनको आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन ये लगातार जेके बोर्ड के खिलाफ इनकी नारेबाजी है। जिस तरह से टैगिंग का जो ऑर्डर निकाला गया उसके विरोध में आज ये सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस जो है इन लोगों के साथ, इन्होंने कहा है कि अन्याय किया जा रहा है, और लगातार यहाँ पर इस समय एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है इन दोनों के बीच में, पुलिस प्रशासन और साथ ही ये प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर, और इनकी डिमांड कि जो फॉर्मेलिटीज हैं जिस तरह से मांगी जा रही हैं वो गलत है। और मिड सेशन में, अभी मिड सेशन भी नहीं कहेंगे, सेशन खत्म होने को है, अगले महीने से पेपर शुरू हैं और कंप्लीट भी नहीं होने दिया, और प्राइवेट स्कूल्स को टैग कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस पूरी तैयारी में है, क्योंकि बसेस भी बुलाई जा चुकी हैं ताकि इनको यहाँ से फिलहाल जो है ले जाया जाए और डिटेन करने की इनकी कोशिश है इस समय। है कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि बोर्ड की क्लासेस के बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कर दीजिए। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को डाला है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, आप बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हो। सो ये एक, अगर डेमोक्रेसी, अगर हम ये कंट्री जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर हमें इतना भी हक नहीं मिलेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, सो किस तरह का, ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई है, ये तो हिटलर रूल हो गया। This is not fair. So I urge all the government officials, I urge the government and JK Bose officials to please look into the matter and do the needful. कारण क्या बताएंगे, क्यों टैगिंग की जा रही है, क्या ऐसी? देखिए, जिन स्कूलों को टैग किया गया, कुछ स्कूल्स जो हैं अगर उनकी कोई NOCs में कोई प्रॉब्लम है, एक आधा डॉक्यूमेंट कुछ रह गया है, बट आप ये देखिए कि वो स्कूल्स कब से चल रहे हैं, वो 40-50 साल हो गए हैं उनको स्कूल को चलते हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ, कभी गवर्नमेंट हमें यूडाइस के लिए बोलती है, कोई कुछ कहती है, अब हम डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं, कुछ है पीछे वाले स्कूल से रिलीज नहीं हुआ, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे स्कूल से पूरा सब कुछ हो जाएगा। सो व्हेन ऑल द स्कूल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, सो गवर्नमेंट हैज टू गिव अ सर्टेन टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें हम अपनी चीजों को ठीक करें, स्क्रूटनी करें। अब कोई भी, अब हमारे 40-50 सालों से इन चीजों पे गौर नहीं किया, हमने 40-50 साल से हर स्कूल के बंद किया जाए, जिससे इस प्रकार से बात की जा रही है प्राइवेट स्कूल की जो और टैगिंग की जा रही है, फिलहाल तस्वीरें आप लिंक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जुड़े रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इनको आगे बढ़ने से मना कर दिया है, और अब ये वापस जो है हरि सिंह पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, कि वहीं पर ये आप इकट्ठे होकर दोबारा से एक प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी इस बात को दोबारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रखने की बात के खिलाफ है। उनको जो भी करना है एक प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर चैनल से करें। वी आर टोटली विद देम, और हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, हम यहाँ गुंडे नहीं है, मवाली नहीं है, ना ही हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो माइलेज गेन करने आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही इशू है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सफ़र नहीं करें, हमारे पेरेंट्स सफ़र नहीं करें, हमारे साथी जिन्होंने 50-50 साल अपने इस लाइन में दे दिए हैं वो सफ़र नहीं करें। हमारा मेन एम सिर्फ यही है।
तो जिंदाबाद। आपका ये प्रोटेस्ट क्या यहीं पे आप कंक्लूड कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, हमारी 400-500 लोग वोट के बाहर हैं अभी ऑलरेडी। हमारा ये प्रोसेस पार्ट ऑफ जम्मू में हुआ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में जारी रहेगा प्रोसेस हर डिस्ट्रिक्ट में। और अभी हमारी एक डेलीगेशन बोर्ड में चले गई है, 15 बंदों की डेलीगेशन और जा रही है, जो कि हमारे चेयरमैन साहब लिस्ट बनाएंगे और वो 15 आदमियों को हम बोर्ड में भेजेंगे। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा और बोर्ड के पास जो है एक डेलीगेशन भेजा गया है, उनके साथ बातचीत होगी इस पूरे मामले को लेकर, तभी जो है देखा जाएगा कि आगे किस तरह का इनका रुख रहने वाला है, क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अभी भी हालात जो हैं फिलहाल किसी तरह के बने नहीं हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ अभी भी मामला बना हुआ है। जिस तरह से टैगिंग वाला इशू जो निकल कर आया है, जो ऑर्डर निकाला गया कि प्राइवेट स्कूल्स को, कई प्राइवेट स्कूल को जो है गवर्नमेंट स्कूल के साथ टैग किया गया है, कई वजह बताई गई हैं कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो मांगी गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन उसके विरोध में अब सभी प्राइवेट स्कूल्स ऑनर जो हैं वो इकट्ठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ये मामला सुलझाया जाना चाहिए। सेशन कंप्लीट हो गया है, अब बच्चे जिनको पढ़ाया है उनको कहा है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर वो पढ़ेंगे, और इन लोगों की आजीविका का, इन लोगों के रोज़गार का क्या बनेगा, ये इन लोगों का कहना है कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हरास कर रही है, और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो भी इन लोगों को बेवजह तंग कर रहा है।